हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता'स कुकबुक। मैं हूं अमृता और आज हम बनाएंगे वेजिटेबल हक्का चाउमीन एकदम स्ट्रीट स्टाइल। इस लॉकडाउन में हम सबसे ज़्यादा स्ट्रीट फूड मिस कर रहे हैं और नूडल्स तो सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है, तो आइए हम बनाते हैं आज की रेसिपी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। इसके लिए मैंने 2 पैकेट नूडल्स लिए हैं। हम इसे उबलते हुए पानी में डालेंगे और ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। अगर नूडल्स मोटे हैं तो 8 से 10 मिनट और अगर पतले हैं तो 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे रेडी होने में। हम इसे पूरा कुक नहीं करेंगे, इसे थोड़ा सा कच्चा रहने देंगे और इस बीच इसे चेक करते रहेंगे। नूडल्स कुक होते ही इसे छान लें और तुरंत ही ठंडे पानी से अच्छे से ठंडा कर लें ताकि ये और पके नहीं और चिपके नहीं, और 1 टेबलस्पून ऑयल नूडल्स में लगाकर साइड में रख दें। दूसरी तरफ हम गैस पर हाई हीट पर पतली कढ़ाई रखेंगे और 2 टेबलस्पून ऑयल अच्छे से पूरी कढ़ाई में लगा देंगे और इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक। हल्का सा सेक लगते ही इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के लंबे कटे हुए प्याज। सारी सब्जियों को बस थोड़ा थोड़ा सेक लगाना है, इसे पकाना बिल्कुल नहीं है। हम इसमें ऐड करेंगे हरी, पीली और लाल लंबी कटी हुई छोटे साइज की 1-1 शिमला मिर्च। इसे भी बस हल्का सा सेक लगाना है, मिक्स करके थोड़ा सा साइड कर दें। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, सब्जियां बस ऐड करते जाएं। मैं यहाँ पतली बड़ी कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, इसे चाइनीज़ कढ़ाई भी कहते हैं। हम ऐड करेंगे बारीक लंबी कटी हुई एक छोटी पत्ता गोभी, इसे भी थोड़ा सा सेक लगाना है, और आखिरी में बारीक कटी हुई 2 मीडियम साइज़ की गाजर और 10 से 12 पतली कटी हुई बीन्स। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। ये सब कुछ बस फटाफट करना है हाई हीट पर ताकि सब्जियों का क्रंच ना जाए, एक बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा सब्जियों में। और इनका कलर मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी 2 से 4 दाने चीनी ऐड करें। हमारी स्मोकी वेजिटेबल्स रेडी हैं, अब फ्लेम हम सिम कर देंगे और झटपट से ऐड करेंगे हम इसमें बॉयल्ड नूडल्स, 1.5 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून काला नमक, थोड़ा सा अजीनोमोटो चाइनीज फ्लेवर के लिए और स्वाद अनुसार नमक, और फ्लेम हाई कर देंगे। बस अब अच्छे से सबको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अपनी पसंद के हिसाब से आप इसमें टमाटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं और स्प्रिंग अनियन से गार्निश ज़रूर करें। मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने नहीं यूज़ किए हैं। बस थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप बनाएंगे तो एकदम स्ट्रीट स्टाइल बनेंगे। हमारे वेज हक्का नूडल्स रेडी हैं। आप चाहें तो इसे चिली पनीर या चिली चिकन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।